जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, कोई ना कोई रुकावट पहाड़ की तरह खड़ी हो रही है। ऑगर मशीन स्टील के मलबे को हटाने में टूट गई। करीब 30 मीटर तक मशीन का हिस्सा सुरंग में फंस चुका है। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि फंसा हुआ हिस्सा निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको काटने वाला प्लाज्मा कटर नहीं है, जिसे अब हैदराबाद से मंगाया गया। जब वो कटर आएगा तब मलबे में फंसा मशीन का जो हिस्सा है उसे निकाला जाएगा। इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, मतलब मजदूरों को निकालने में अभी और भी कुछ दिन लग सकते हैं। इसके साथ ही तमाम दूसरे विकल्पों पर भी काम शुरू हो गया है, मजदूरों से बातचीत हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर बनी हुई है, मजदूरों तक मोबाइल भी पहुंचा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मजदूरों के हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन में व्यवधान आ रहे हैं फिक्र बढ़ रही है। अच्छी बात यह है कि मजदूरों की भी उम्मीद अभी टूटी नहीं है। रेस्क्यू में कितने और दिन लगेंगे, कब निकलेंगे मजदूर, सरकार और एजेंसियां अब क्या करने वाली हैं, आप इस रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। जरूरत हो तो बताइएगा, क्या बोल रहे थे? एक मिनट के लिए लाइट कट जाती है, लिफ्ट रुक जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है। अब जरा उन 41 मजदूरों के बारे में सोचिए। एक एक करके गिनती करेंगे और साइड होते जाएंगे। उन पर क्या गुजर रही होगी, वो किस मनोस्थिति में होंगे, ये सोचते ही कलेजा कांप जाता है। क्योंकि यहां चुनौती एक मिनट की नहीं है, एक एक सेकंड की है, जो अब 14 दिन तक की हो गई है, और ये कितने दिन की होगी किसी को पता नहीं। तो आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूं कि देश में सबका ध्यान जो है टीवी स्क्रीन के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन के ऊपर जा रहा है, इस सोच में कि कब ये जो अभियान है ये पूरा होगा, सक्सेसफुल कब होगा, सब कब ये 41 भाई हमारे बाहर निकलेंगे। मगर ये ऑपरेशन जो है अब आप देख रहे हैं कि टेक्निकली और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उस वक्त सोची भी नहीं थी, तो शायद कुछ हद तक मीडिया अपने आप अनुमान लगा रहे थे कि शायद 2 दिन में या 3 दिन में बाहर निकाल पाएंगे। अभी जो है, मगर हमने अपने तरफ से कभी भी टाइमलाइन नहीं दी है आपको, क्योंकि मुझे यकीन था, मुझे तजुर्बा इतना तो है जिंदगी में कि जब आप पहाड़ के साथ कुछ कर रहे हैं, इस तरह की अड़पणों के साथ आप कुछ अभियान कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ कोई भी चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में आप फंक्शन कर रहे हैं। 2-3 दफ़े आपको याद भी दिलाया है मैंने, ये बिल्कुल लड़ाई का माहौल है, जैसे लड़ाई लड़ी जाती है वैसे ही माहौल है। और लड़ाई में के हाँ माहौल में आप कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि आपका ऑपरेशन कब खत्म होने वाला है। हर दिन लगता है कि बस चंद घंटों में खुशी आने वाली है, लेकिन कुछ कदम चलते ही ब्रेक लग जाते हैं। जरूरत हो तो बताइएगा। नया चैलेंज आ जाता है, फिक्र बढ़ जाती है, मुश्किल बहुत बड़ी। वैसे तो सुरंग 4531 मीटर लंबी है, जिसका एक छोर सिलक्यारा टनल की तरफ है। इधर से 200 मीटर दूरी पर 57 मीटर का मलबा गिरा हुआ है, इसी को साफ करना है। दूसरा छोर बरकोट की तरफ है, वहां से भी 450 मीटर की खुदाई बाकी थी। बीच में खाली 2 किलोमीटर की सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग की ट्रेंच में न पानी न रोशनी, घुप अंधेरा। उस अंधेरी सुरंग में 14 दिन से 41 जिंदगी कैद है। गनीमत यह रही कि 2 दिन बाद
6 इंच की पाइप पहुंचा दी गई, जिससे लाइट, खाना, कपड़े, दवाई, वॉकी टॉकी के साथ जिंदगी की उम्मीद भी पहुंचा दी गई, जिससे आज भी जिंदगी वहां जिंदा है। आज हुई है बात? हाँ। क्या बोले? परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे, हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। का अच्छा। नाम क्या है? वीरेंद्र किशोर। अच्छा, लोगों का तो सोने का भी कोई जगह नहीं है, आज वो खाए भी नहीं है कुछ। मैडम कहाँ से? अच्छा, खाए भी नहीं है। क्यों क्यों क्यों? वही परेशान है। कितनी देर बात की आपने? बात किए थे हम लोग सब, अब तीन जन है तो तीन ही जन बात किए हैं। सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी को। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएं आप लोगों को। प्रॉब्लम उसको टेंशन हो रहा है अभी। नहीं, ये आधिकारिक लोग आप लोगों को कुछ बताएं क्या? अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी बोल रहा टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, जितना टाइम देते हैं उसमें तो नहीं होता, इसलिए वो लोग भी अभी सही टाइम नहीं। सुनीता जी, आज कितनी देर के लिए बात किया आप लोगों ने तीनों मिला करके? 10 मिनट 15 मिनट? हाँ, 10 मिनट बात किए थे बस। और उसमें हर बार में उसने ही बोला कि अब कब निकलेगा, वो परेशान हाँ, हो रहा। हाँ, हाँ, परेशान। और खाना भी नहीं खाया आज सुबह? आज नहीं खाया। और दे दिया इन्होंने खाना? दिया, लेकिन हाँ खाना दिया है, बोल नहीं खाया। साइकेट्रिस्ट की टीम बार बार अंदर जा रही है और जाकर उनसे बातचीत कर रही है, उनको विटामिन्स और साथ में जो बाकी मेडिसिन्स है वो भी दी जा रही है। स्थिति ऐसी है कि 4531 मीटर की ये पूरी टनल, जिसका एक छोर सिलक्यारा टनल की तरफ है तो दूसरा बड़कोट एक्सेस पर है, वहां से भी 450 मीटर का लगभग ब्लॉकेट है, उसको ब्लास्टिंग के जरिए और अलग अलग मेथड के जरिए खोदने की कोशिश की जा रही है ताकि ड्रिलिंग करते हुए इन 41 लोगों तक पहुँचा जा सके। यकीन मानिए, उन मजदूरों का ये हौसला ही है, ये उनका इरादा ही है, ये उनके जज्बे की ताकत ही है, उनके हिम्मत की दाद देनी होगी जिसकी बदौलत वो टूटे नहीं है और न ही वो टूटेंगे, क्योंकि उन्हें जिंदा रखना है, जिंदा और सकुशल वापस लाना है। लेकिन सवाल है कि ये होगा कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन पर थी, आगर मशीन पर थी जो टूट गई है। टूटी ही नहीं, उसका एक बड़ा हिस्सा वहां फंस गया है, जो हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन में अब सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। आगर मशीन के बर्मे का 46 मीटर हिस्सा फंसा था, जिसे 20 मीटर तक काट दिया गया। करीब 25 से 30 मीटर तक का हिस्सा निकालना है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आगर मशीन के बचे हिस्से कट नहीं रहे हैं, काटने वाला कटर नहीं है। जो ऑगर, जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिसपे ज़्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सिलियासार की तरफ से, जो सिलक्यार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसका उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे, उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है और काटने के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहाँ पर पहुँचाने की अभी कोशिश हो रही है। तो हाल में अभी के लिए टेम्परली जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पर कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। अंदर जब ऑगर मशीन चल रही थी उसी बीच लोहे का ढांचा आया और फिर उसके बाद ऑगर मशीन का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट गया। ये ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा है, साथ में जो लोहे के गार्डर्स और उसके अलावा सरिये आए वो यहाँ पर है। वो ठीक सामने आप देखें तो ये जो पाइप है जिससे ऑगर मशीन कनेक्ट होती है वो है, साथ में लोहे की जो छड़े हैं वो सभी, ये सब मलवा है जो कि उस दौरान वहाँ मौजूद था। अब इसको बाहर निकाला गया है, ऑगर मशीन अभी भी 20 मीटर अंदर है, उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। जो हिस्सा निकल पाया उसे निकाल लिया गया, बाकी हिस्से को काटने के लिए प्लाज्मा कटर मशीन को हैदराबाद से मंगवाया गया है। हैदराबाद से मशीन जब आएगी तब उसे फिट किया जाएगा
उसके बाद मैनुअली काम शुरू होगा। कटर है हमारा प्लाज्मा कटर, वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग एक घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं और उसके आने के बाद एक घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे, तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए, जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखिए ऐसा है, हम लोग क्योंकि ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ से हमारे सबके बीच में अगर सकारात्मक भाव रहेगा तो आवाज अंदर तक जाएगी। अब कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ऑब्वियसली प्रोसीजर प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज तो यह है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। सरकार दूसरे विकल्पों पर भी काम कर रही है। हॉरिजॉन्टल के बाद सबसे मुफीद विकल्प वर्टिकल ड्रिलिंग का था। एनडीए में अब पैरेलल वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी काम कर रही है। मशीन को सुरंग के ऊपर 86 मीटर के प्लिंट तक पहुंचा दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अब ये कोशिश की जा रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग हो, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा विश्वास इसी टनल के मेथड से था कि अंदर पाइप जा सके और फिर उसके बाद इसी के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे होल्ड पे रखा गया। प्लिंट के ऊपर मशीन को प्लेस किया जाएगा और वहां से मशीन 1.2 मीटर डायमेंशन में वर्टिकल ड्रिल करेगी, जबकि ऑगर मशीन हॉरिजॉन्टल में 0.9 मीटर डायमेंशन पे ही ड्रिल करती थी, जिसके बाद 62 मीटर के सुरंग के क्रस्ट को हटाने के बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। दो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वहां पर जगह रही काफी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए, तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। अभी इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, मगर शायद अपनाया जाए।